भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में आस्था का एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित और श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाएंगे। पूरे देश में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो गई है और भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में जब तक यह फिल्म चलेगी साक्षात वीर हनुमान इसे देखेंगे। उनके लिए भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल के प्रबंधक ने एक सीट रिजर्व कर दी है। इस सीट पर महाबली हनुमान की तस्वीर भी लगाई गई है। श्रद्धा पूर्वक राम के नाम पर जो बनाया आदि पुरुष राम के बारे में दर्शाया गया है उसी की श्रद्धा के लेकर हम लोग राम के हनुमान के नाम पर एक सीट रखे हुए हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूटर के भी आदेश था कि हनुमान के नाम पर रखा जाए। फिल्म निर्देशक ओम रावत के निर्देशन में रामायण पर आधारित बनी फिल्म आदि पुरुष में प्रभास, सैफ अली खान और कीर्ति सैनन की फिल्म आदि पुरुष पूरे देश में रिलीज हो गई है। यह फिल्म तकरीबन 500 करोड़ की बजट से बनाई गई है। आदि पुरुष फिल्म में साउथ के सुपरस्टार बाहुबली फेम प्रभास भगवान श्री राम के किरदार में, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सैनन माता सीता के रूप में नजर आ रही हैं। वहीं बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान रावण का अभिनय करते नजर आ रहे हैं, जबकि महाबली हनुमान के रूप में देवदत्त नागे दर्शकों पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इस फिल्म की खास बात है कि सिनेमा हॉल में मैनेजमेंट टीम के अनुसार महाबली हनुमान के लिए स्पेशल डीसी की सीट संख्या A30 आरक्षित की गई है, जिस पर महाबली हनुमान तब तक विराजेंगे जब तक यह फिल्म भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में चलेगी। सीट संख्या A30 पर साफ तौर पर लिखा है कि यह सीट बजरंगबली के लिए सुरक्षित सीट है और उस सीट पर महाबली हनुमान की फोटो रखी है और पुष्प से पूजा अर्चना की गई है। दीप प्रभा सिनेमा हॉल के मैनेजर ललन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह फिल्म रामायण पर आधारित है, इसीलिए श्रद्धा के तौर पर एक सीट पर भगवान हनुमान की प्रतिमा रखकर इस फिल्म की शुरुआत की गई। वीर हनुमान के लिए एक सीट आरक्षित किया गया है, जब तक यह फिल्म चलेगी तब तक उनका सीट आरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि गर्मी को लेकर भीड़ थोड़ी कम है लेकिन बुकिंग जबरदस्त हुई है। साथ उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी श्रद्धा से महाबली हनुमान की तस्वीर को एक सीट पर रखे हैं, इसमें कोई राजनीतिक दल की किसी तरह की बात नहीं है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? भीड़ तो ठीक है। बुकिंग किस प्रकार की देखी जा रही है? बुकिंग ठीक है, धूप की वजह से कुछ कम। जो महाबली हनुमान के लिए जो सीट रिजर्व रखी गई है उनका भी विधिवत पूजा वगैरह भी किया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अपना श्रद्धा पूर्वक हम लोग रखे हैं वो सीट पर। इसमें हिंदू संगठन या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भीड़ भी कुछ ऐसा कोई है? यह फिल्म कहीं वर्तमान सरकार की राजनीतिक से जुड़ी हुई तो नहीं? पब्लिक का क्या व्यू आ रहा है? व्यू अच्छा है, राम के नाम पर जराम के बारे में जो दर्शाया गया उसका रिस्पॉन्स बढ़िया है। फिल्म देखने आए भागलपुर के दर्शक समर प्रताप ने कहा कि यह फिल्म सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, श्री राम से जुड़ी हुई है, इसमें रामायण की गाथा दिखाई गई है, इसलिए हम लोग इस फिल्म को देखने आए हैं और सबों से अपील करता हूं कि ऐसी फिल्म को जरूर देखें। ऐसी फिल्म सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। साथ उन्होंने कहा कि यह फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। साथ उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर के दीप प्रभा टॉकीज में जब तक यह फिल्म चलेगी तब तक वीर हनुमान दर्शकों के साथ रहेंगे और इस फिल्म का आनंद लेंगे, क्योंकि इस हॉल में वीर हनुमान के लिए एक सीट आरक्षित कर दी गई है। इसमें हम लोग का धर्म के बारे में बताया गया, मतलब रामायण के बारे में, जो कि मतलब सभी को जानना चाहिए। इस वजह से क्या लगता है आदि पुरुष फिल्म जो है इसको लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? तो लेके धीरे धीरे मतलब इस मूवी को देख के मतलब मूवी को देख के और मतलब हम लोगों में या फिर और लोगों में मतलब अपने धर्म के प्रति थोड़ा बहुत मतलब जागरूकता, और इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको मालूम है कि एक आरक्षित सीट हनुमान जी के लिए हॉल में रखा गया है? क्या बोले? हनुमान जी के लिए एक आरक्षित सीट रखा गया है अंदर में जी। हाँ, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी खुद फिल्म देख रहे हैं अंदर में बैठ के। जी जी जी, क्या लगता है यह फिल्म जो है कहीं राजनीतिक से जुड़ी हुई तो नहीं है? नहीं, इसमें हम मतलब राजनीतिक से कहाँ से जुड़ा रहेगा, इसमें हम लोग का मूवी है मतलब धर्म के। नहीं, जिस प्रकार अभी बागेश्वर धाम के सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री उनको भी राजनीतिक से जोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो चीज़ तो गलत है। अपना धर्म का अगर मतलब अगर हम लोग अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं या फिर विश्लेष कर रहे हैं या फिर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये चीज़ तो सही है। इसमें राजनीतिक से क्या जुड़ना है? इसमें हम लोग का मतलब धर्म के बारे में अपना सब जान रहा है, अपना जागरूक हो रहा है, इसमें क्या मतलब? अच्छा, इसमें क्या लगता है कि हिंदू संगठन के लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हैं क्या?
नहीं 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 इसमें मतलब अब इसमें इसको इस मूवी को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? वही मेरा सवाल यही है कि राजनीतिक से तो नहीं जोड़ा जा रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।